अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं बैसन मानी क्रिकेट शो। एशिया कप का सीजन ऑन है और आगे जाके वर्ल्ड कप भी आने वाला है और पाकिस्तान इंडिया के मुकाबलों की बातें हो रही हैं हर जगह पर, हर मीडिया में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बात हो रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और आपको पता है कि हम आजकल वीडियोज बना रहे हैं और पूरा कंपेरिजन कर रहे हैं, तो आज हम कंपेरिजन कर रहे हैं इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, बैटिंग में जो हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास कौन सी स्ट्रेंथ है, इस बारे में मुकम्मल आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर दें। मिडल ऑर्डर जो स्टार्ट हो रहा है दोनों का कड़ाकेदार किस्म का स्टार्ट हो रहा है। इधर से होंगे बाबर आजम और इंडिया की तरफ से होंगे विराट कोहली। तो यहाँ तो हम पल्ला है, बिल्कुल लेवल है और दोनों वर्ल्ड क्लास किस्म के बैट्समैन हैं। अपने दिन पे किसी भी टीम को ये मैच, अपनी टीम को तो मैच जितवा सकते, किसी टीम को लेके बैठ सकते हैं। नंबर थ्री तो कंफर्म है पाकिस्तान का भी और इंडिया का। नंबर चार के बारे में हमारा जो पहले पाकिस्तान का डिस्कस करें, चले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान जो हमारे नंबर फोर जो है वो कंफर्म है हमारा, बड़ी जबरदस्त बैट्समैन है, डाउट नहीं है हमारा कि नंबर फोर की तरफ से हमारा कौन सा प्लेयर खेलेगा। दूसरी तरफ इंडिया को काफी डाउट है। उसके अलावा फिर पांचवें नंबर की अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा जिस तरह की फॉर्म में और जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कंफर्म है कि पांचवें नंबर पर सलमान अली आगा खेलेंगे। और छठे नंबर पर हमें चाहिए था एक्सपीरियंस, तो हमने 40 साल के एक चाचा जी रखे हुए हैं, मोहम्मद इफ्तार अहमद रखे हुए हैं, जो कि हवाई तरफ से छठे नंबर बैटिंग करेंगे। हार्ड इनिंग की जरूरत हो तो वो भी नीचे जाए करेंगे। और सातवें नंबर पर, सातवें नंबर शादाब खान होंगे, फिर मोहम्मद नवाज होंगे। तो हमारा मिडल ऑर्डर सेटल है। और इवन अगर मोहम्मद नवाज आठवें नंबर पर खेलेंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी तो चाहिए ना हमें, तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा होंगे। तो हमारी इंडिया में अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो एक से लेकर 11 तक हम अभी आपको बता सकते हैं कौन सी प्लेइंग 11 हमारी होगी वर्ल्ड कप के लिए। अब इंडिया पे आते हैं, इंडिया की अगर बात करें तो उनके पास जो विराट कोहली जो पहले टॉप थी उनको कंफर्म नजर आ रहे हैं, लेकिन चौथे नंबर पे किसने खेलना ये नहीं पता, ये पता ही नहीं। वर्ल्ड कप इतना करीब और आपको पता ही नहीं कि आपका चौथे नंबर का बैट्समैन कौन है, तो आपको इस चीज से अभी घबराना चाहिए। या तो ईशान किशन खेलेंगे या फिर संजू सैमसन खेलेंगे। केएल राहुल अभी इंजर्ड है, अगर वो भी आ सकते हैं तो उनको, केएल राहुल ने अगर खेलना तो एज ओपनर खेलना है, वो नंबर फोर पर तो नहीं खेलेंगे। शुभमन गिल नीचे आएंगे तो उनको पता नहीं कि इन्होंने करना क्या है। वर्ल्ड कप करीब है, एशिया कप आ चुका हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं करना क्या है। उसके बाद जडेजा आएंगे, जडेजा से बाल पहले कौन आएगा, सूर्य कुमार यादव का, अगर सूर्य कुमार यादव छठे नंबर पे आ रहे हैं वो फिट नहीं बैठते, वो छठे पे आएंगे या चौथे पे आएंगे, वो छठे पे आएंगे। छठे पे क्यों आएंगे, वो छठे पे आएंगे, सातवें पे हार्दिक पांड्या आएंगे ना, और जडेजा आएंगे आठवें पे, यानी कि उनका उनका चौथा और पांचवा कंफर्म ही नहीं कि किसने खेलना है। तो ये टीम इंडिया का इस टाइम हाल है और ये सब वर्ल्ड कप की, और सूर्य कुमार यादव हैं चौथे नंबर के बैट्समैन, लेकिन उनको जबरदस्ती T20 की तरह बैटिंग कराने के लिए छठे नंबर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अजीब गरीब हरकतें हो रही हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो अभी तक नहीं तैयारी में थे, उनको प्रिपरेशन की बहुत कम थी। ये अभी तो हमारा तो देखे मैंने आपको बताया एक से लेकर 11 तक सेटल्ड है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और इवन हमारा विंडर अभी वो श्रेयस अय्यर का इंतजार कर रहे हैं, वो अगर उनकी इंजरी ठीक हो जाए, केएल राहुल वो भी इंजर्ड है, वो भी, तो हर चीज में तो है ना, हर चीज में उनका एक सवालिया निशान है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये अभी तक उनको पता ही नहीं है। और टूर्नामेंट आया पड़ा है अब, ये इस तरफ अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए तो सिर्फ टॉप थ्री कंफर्म है। छठे नंबर पे आपको सूर्य कुमार यादव को खिला रहे तो मेरे ब्लंडर ही मिडिल ऑर्डर है। वनडे में होता क्या है, वनडे में 25 से लेके 40 ओवर तक जो खेलना था, जो 15 ओवर 20 ओवर गुजारने होते हैं वो इन्हीं चार बैट्समैन ने गुजारने होते हैं। अगर यही आपके फारंग है तो फिर आपकी टीम तो बेकार होगी। तो अगर भी बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर की जंग में तो फिर पाकिस्तान क्लियर कट फेवरेट हो गया। बॉलिंग में भी पाकिस्तान फेवरेट था, ओपनिंग में भी पाकिस्तान के बैट्समैन जो पहले तीन है वो हमारे टॉप फाइव रैंकिंग में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान इस टाइम क्लियर कट फेवरेट है और उनको एज हासिल है इंडिया के ऊपर, ये तो आपको मानना पड़ेगा। चलें थोड़ा सा आप 1-1 जो है कंपैरिजन कर लेते हैं। अब चौथे नंबर पे अज्यूम कर लेते हैं कि उनका आ रहे हैं ईशान किशन आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे आ रहे हैं कौन आ रहे थे, मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं, तो इसमें तो भाई मोहम्मद रिजवान ने नंबर ले लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही दोनों विकेट कीपिंग करेंगे। और बैटिंग के लिहाज से तो मोहम्मद रिजवान कई आगे हैं ईशान किशन से, अभी ईशान किशन तो अभी उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतना एक कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है ओडीआई क्रिकेट में, तो यहाँ तो मोहम्मद रिजवान को क्लियर कट एज है। उसके बाद चले अज्यूम कर लेते हैं कि संजू सैमसन आ जाएंगे इनके, ठीक है। अब संजू सैमसन अगर होंगे तो यहाँ पर होंगे सलमान, अब क्लियरली यहाँ पर आगा सलमान फेवरेट है। अब यहाँ पर इंडियन फैंस कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, संजू सैमसन की इंटरनेशनल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है अभी, आपको रिसेंटली भी पता है, और पाकिस्तान के जो आगा सलमान की फॉर्म आपको पता है नहीं, जो आगा सलमान जो लोग ये बात करेंगे, इंडियन फैंस बात करेंगे तो रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे कि आगा सलमान का अभी तक ओडीआई का और टेस्ट का क्या रिकॉर्ड है और संजू सैमसन का क्या है, तो इस सवाल का जवाब उनको खुद ही मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है अब हमारा आएंगे पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे थोड़ा जो छठा नंबर बनता है, छठा नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से आएंगे इफ्तिखार जो पावर हिटर हमारे चाचू, और आगे से आएंगे सूर्य कुमार यादव। ये जरा मैं कहता हूँ कि 50-50 कह सकते हैं, 50-50
का मुकाबला है, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक ना कहते टुल्लू प्लेयर है, अगर लग गई तो लग गई, वो अगर ना लगी तो फॉरन आउट। लेकिन इफ्तिहार अहमद ऐसे प्लेयर है कि वो लंबी इनिंग खेल सकते हैं। मुकाबला कह लो 50-50 होगा, वो जरा एग्रेशन में जरा तेज है, इफ्तिहार जरा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो ये मुकाबला लेवल का होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर ऑन द डे अगर अच्छा दिन चल गया तो सूर्य कुमार यादव को आप हल्का सा एज दे सकते हैं। अब सातवें नंबर की बात कर लें तो शहदाब खान और हार्दिक पांड्या, यहाँ पर हार्दिक पांड्या को मैं नंबर दूंगा। यहाँ पहला ऐसा पांड्या अभी तक अभी मिडिल ऑर्डर का पहला ऐसा स्पॉट है जहाँ पर हार्दिक पांड्या जो थोड़ा लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ऑन द डे अभी फॉर्म उनकी बेशक नहीं है, लेकिन ऑन द डे अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो शहदाब पे भारी पड़ेंगे और भारी बहुत हैंडी प्लेयर। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का ये नंबर नहीं होगा, इसको शफल करते रहेंगे और हार्दिक पांड्या मेरा थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करेंगे, ये सातवां नंबर आएगा उनका, सातवां नंबर सूट नहीं करता उनकी बैटिंग, फिनिशिंग ही करेंगे वो। और उसके बाद अब आठवें भी बात करें तो मोहम्मद नवाज और रविंद्र जडेजा, यहाँ पर भी जडेजा नंबर ले जाएंगे, ये जडेजा बिल्कुल नंबर ले जाएंगे, क्योंकि उनकी हमने तो परफॉर्मेंस की बात करी, मुझे एज ए पाकिस्तानी इंडियन बात नहीं करनी, हम तो फैक्ट पे बात करेंगे। और फैक्ट ये है कि जडेजा की जो परफॉर्मेंस है, उनके जो स्टैट्स हैं, वो मोहम्मद नवाज से कई ऊपर हैं, और खासतौर पर बैटिंग में जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, तो आठवें नंबर में ऐसा बैट्समैन होना वो ब्लेसिंग है किसी टीम के लिए, अगर उनकी जरूरत पड़ी तो। बॉलिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हम तो बैटिंग की बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें, तो वहां पर तो क्लियर कट फेवरेट है जडेजा जो फेवरेट है। हाँ, तो देखा जाए तो आप कह लेंगे 30% जो है ना वो इंडिया का फेवरेट है और 70% जो एज ले रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ले रहा है, वो भी इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन है वो सेटल्ड है, हमें पता है किसने खिलाना है, और वहां पर इंडिया की तरफ से पता ही नहीं कि खेलना किसने मिडल ऑर्डर में। तो ये चीजें इंडिया ने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर, वर्ल्ड कप इतना करीब है, एशिया कप इतना करीब है, तो होप्स हो कि एशिया कप में काफी इनको चांसेस मिल जाएंगे, वहां पर वो अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे, वर्ल्ड कप में एक अच्छे मिडल ऑर्डर के साथ वो भी जाएंगे, ताकि जो 14 अक्टूबर का मैच है वो मजेदार मैच हो। लेकिन अगर आप मानी बात करें ना शुरू से लेकर एंड तक, तो पाकिस्तान इस बार वाकई जो जा रहा है वर्ल्ड कप में एज ए इंडिया से आगे, मेरा हाल है वो फेवरेट, बिल्कुल आपने सही कहा, इस बार पहली दफा पाकिस्तान फेवरेट खेलेगा। तो चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं आपसे अगली फिर वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।